जैसे ये मतलब 5 बिलियनियर वाला वगैरह नहीं आते, इस तरह उनका प्लान है। लेकिन जो हमारे सीईओ है अमेरिका से, ओके सर, यानी आईटी के बहुत जानकार बन गए और प्लस हमारी तरह वो एक नेटवर्क पर भी आज भी उनकी हेजिबिल इनकम आती है बड़ी बड़ी कंपनी में, ये जो मतलब बड़े पोस्ट पे है तो इतना पैसा आता है कि वो पूरी कंपनी को उनकी सैलरी से चला सकते। हमारे पैसे को तो चलने की जरूरत ही नहीं है, बट इनकम आती है उससे हमारी कंपनी को वो अब लोगों के सवाल आते हैं यार ये तो पहले कंपनी करते थे तो अगले ने तो मना किया मैं नहीं करता, ये तो नहीं होना। हाँ उसमें ये है कि उनको लगा कि यार हम इतनी बड़ी टीम बना रहे हैं कहीं कहीं मतलब हमें तो मिलता है उनको क्या मिलता है, खुद ही अपने प्रोडक्ट वगैरह ऐसे रेडी कर रहे थे मतलब जो भी टीम बनती है उनको लाइफ टाइम इनकम मिलती है, तो फिर उन्होंने सबसे पहले जो वीडियो बनाए थे जो अपने माइंड में जो प्लान था वो वीडियो बनाए और उस वीडियो के आधार पर लगभग 20-30 हज़ार बनी हो चुकी और उसके वेबसाइट भी नहीं थी। क्या नहीं थी वेबसाइट भी नहीं थी तो कैसे होता था वो मेल आता था एस मोबाइल ट्रांसफर करते थे आईडी तो फिर भी कुछ भी नहीं तो कुछ उस टाइम अगर ये डिजाइन चार वगैरह हमारी तरह सोच चुके थे कि मतलब आ जाएगा या हार जाएगा तो आज शायद पूरी दुनिया डिजाइन चार को नहीं पहचान ये हकीकत है। मैंने भी कई बार इस बारे में मैंने फिर स्टडी भी किया ना कि यार ये और कैसे गूगल पे हम सर्च नहीं करते अलग अलग वेबसाइट के ऊपर उसमें क्या होता है अगर मैंने जी मेरे अच्छे दोस्त है तो ये यहाँ पे मेरे पक्ष की बात है तो भूपेंद्र जी से मेरा सेटिंग नहीं है तो ये मेरे खिलाफ ही बात है। उसमें क्या होता है कुछ हिंदुस्तान में ऐसी वेबसाइट है जैसे आप उनको अगर इंटरनेट पे भी कई सारी वेबसाइट है जो किसी कंपनी के बारे में जानने के तो उसमें क्या होता है सामने वाली कंपनी से उनका रेस्पॉन्स हो जाता है पैसा वगैरह सेटिंग हो जाता तो वो उनकी रेटिंग हाई बता देते हैं। ठीक है सर साहब आपकी बातों को फिर कंपनी ने सबसे पहले बैंगलोर में एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है वहाँ पे भी इनका क्या ऑफिस बढ़िया हो गया सब कुछ हो गया ऑफिस आ गया लेकिन जो कर्मचारी चाहिए ना वहाँ पर सबको मिले समझ गया ना जी मिले तो इनका काम वही ले गया तो नहीं ले गया फिर एक मानसा आती है आपको पता होता कभी हैदराबाद ऑफिस से नाम सुना होगा आपने जी ये तो ये अपनी सोनाली साहिब
जो सपोर्ट अकाउंट डिपार्टमेंट देखती है, ठीक है, तो एस मकरा ने क्या क्या यहाँ हैदराबाद में आईटी एरिया में महादेवपुरा में ये पूरा हब है, तो लगभग 4-5 सालों में मतलब काफी वहाँ प्रोग्रेस हो रही है, पूरी लगभग आईटी कंपनी है, मैं तो वहाँ विजिट करके आया था, फिर वहाँ जो बैंगलोर का कुछ डिपार्टमेंट था ना जैसे 50 जो कर्मचारी थे उनको यहाँ से लेने में लग गए, जैसे जैसे एम्प्लॉय आने लगे काम प्रोजेक्ट के ऊपर स्टार्ट, सही काम तो आपको माने तो लगभग 1.5 साल ही हुआ होगा, 1.5 साल का 1 साल वो ये पिछली सर्दी में उद्घाटन हुआ था, तो 1-2 महीना वैसे वो 1 साल ही हुआ था काम का, सही प्रोडक्ट बनाने का, तो सब वहां तक आते आते प्रोडक्ट भी रेडी कर लिए कंपनी। अब कुछ लोगों के सवाल आते थे जब मैं भी ऐसे प्लान लेने जाता था, सर ये डाटा सेंटर मुझे भी पता नहीं था सर डाटा सेंटर क्या होता है क्या नहीं होता, ये सब आईटी से विषय है, तो धीरे धीरे हमें भी पता चला, फिर कंपनी ने बोला अब तो हम खुद ही अपना डाटा सेंटर लेके आएंगे, ठीक है, तो अभी डाटा सेंटर भी लाइव हो गया, सारा अपना जो डाटा है वो ट्रांसफर भी कर दिया कंपनी ने, ठीक है, अब कंपनी ने ये मैसेज भी डाल दिया है कि आने वाली 22 तारीख हमारे हिंदुस्तान के टाइम के हिसाब से होता 23 तारीख 12:30 बजे के बाद कोई भी 1 सेकंड के लिए भी नया ऑर्डर नहीं दिया। हाय हेलो ये कंफर्म है, अगर किसी के डाउट है तो निकाल दो, ट्रेंडिंग बाउंडर को भी मौका नहीं मिलेगा क्योंकि इनको जरूरत नहीं, ये सिर्फ टाइम जो खींच रहे थे ये प्रोडक्ट को रेडी करने में ही खींच, ट्रेंडिंग बाउंडर है वो 22 तक पहले कंप्लीट कर ले तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बाकी वो हट जाएंगे फिर हट जाएंगे वो सिस्टम से वो हटा दिए जाएंगे क्योंकि उनका काम ही नहीं हुआ, और फिर कंपनी चली जाएगी धीरे धीरे प्रोडक्ट लॉन्च कर देगी और फिर हार्ड लोन होता दिया 22 तारीख तक का। अब हमारी कंपनी के ऑफिस कहाँ है आप सभी को पता है, ये तो अमेरिका में है वहां से LLC रजिस्टर्ड है, ठीक है, और हैदराबाद में है वहाँ MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन अफेयर्स, वहाँ पे भी रजिस्टर्ड है, हैदराबाद में GST नंबर है, पैन कार्ड नंबर है, इसके अलावा आप जो इन्वेस्टमेंट 9,000 रुपए लगाएंगे आपको कंपनी एक NDA नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट भी देगी, इनवॉइस भी आपको हाथों हाथ देगी जिसके ऊपर GST नंबर पैन कार्ड नंबर मेंशन होगा, और ये पहली कंपनी है जिसमें CEO खुद साइन करके देता है कि आप इस कंपनी के मालिक हो फाउंडर हो, आज तक कोई भी ऐसी कंपनी में नहीं था कि CEO आपको कुछ लिख के दे, दूसरा NDA प्रिंट आउट कर निकाल सकते हो, दुनिया के कोई भी हिस्से में वो डिजिटल है, बहुत बड़े वर्ल्ड के टॉपेस्ट वकीलों के ऑलरेडी 1700 वकील का आपने ये बिल्डिंग का सौदा किया उसका प्रूफ बनाने के लिए आप 100 रुपीज का या कुछ भी लेके आएंगे क्या बोलते हैं, जब तक वो वकील का सिग्नेचर नहीं होगा तब तक उसको आप वेरीफाई नहीं कर, और आपको कोई भी कंपनी ऐसा नहीं है, हमारी कंपनी में बकायदे हमारे लीगल ये क्या वकील का सिग्नेचर का विषय उसमें तो आपको लीगल में कुछ भी 1% भी आपको घबराने की जरूरत नहीं, सिंगापुर से भी रजिस्टर्ड हो चुकी है, दुबई में भी हो, 151 नंबर हमारी कंपनी के ऑफिस, ये बहुत बड़ी बात होती है
उस खलीफा के अंदर अगर कौन किसी का ऑफिस है तो कोई आप बोल सकते हो कि उन लोग कहते हैं यार पैसा देके सब कुछ हो सकता है, अगर पैसा देके तो सब कुछ हो सकता है हमें भी पता है, लेकिन अगर अगले को भागना होगा तो थोड़ी पैसा खर्च करेगा, नहीं करेगा वो, इसको समझो ना। और इतनी बड़ी बिल्डिंग में हेड करता है हर फ्राइडे, कोई मॉल में हेड करता है तो वाटर टैंक वगैरह बहुत सारे हैं, और पूरे लगभग दुबई में हर जगह इलेक्ट्रिक बोर्ड, कहीं भी जाओगे आपको दुबई में भी कामकाज है तो छोटे अस्त्रों में बड़े अस्त्रों में वो भी लाइट वाले, तो वो तो था कंपनी का पार्ट, आने वाले टाइम में हो सकता है आपको फ्यूचर लाइट हाँ डेला मैम चलता रहे कोई वो नहीं, और जो कंपनी है ना वो आपकी हेलो पुराने आइडिया से भी करते हैं सब लेटेस्ट अलग टाइप का। हेलो हेलो अब बात करते हैं, ओपन योर कैमरा मैम आई एम इन बेड क्या होगा ये 23 तारीख के बाद ओके पब्लिक के लिए पब्लिक को ये अभी क्लियर नहीं किया है फ्री में देंगे यूज करने के लिए या पैसे के बदले, मैं जहाँ तक देख रहा हूँ पैसे के बदले में ही वो पैसा जब जाएगा तो वो बोनस आप सभी के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं कितने कोरोना हुआ था तो दो प्रोटोकॉल आए आप सभी को पता है, एक तो जूम है और एक बाइजूस है, बाइजूस ऐप इसलिए आया था कि हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे तो ऑनलाइन पढ़ाई के लिए बाइजूस आया था, तो जब वो लॉन्च हुआ था बता देता हूँ मैंने मेरे एक दोस्त मेरे फ्रेंड वाला संपत्ति आने वाले टाइम में T20 की फ्रेंचाइजी लेगा क्या T20 फ्रेंचाइजी लेगा वो पाकिस्तान के अंदर अपना यस टेल मी और डिड यू हियर मी ये शाहरुख खान को का वो बनाया क्या बोलते हैं ब्रांड है You can live if you have to sleep. You can live, ma'am. What? You have to sleep, so if you can live. Yeah. Is there any problem for you? I cannot understand Santa. They're speaking Indian. तो वो क्या करता है बाइजूस वाला, फिर उसके हर एक इंडिया में हर क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, टीचर्स हैं, एम्प्लॉय है, वो सीधा आपसे संपर्क करेंगे, भाई आपने बाइजूस में किया आपको एक बार हम दिखाना चाहते हैं, वो आएंगे आपको इतनी मीठी मीठी बातें करेंगे, फिर आपसे वो बाय बाय वेरी हैंडसम देने की, इसके बाद बड़े बड़े पैकेज है 60,000।